और राइट फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हेन एवर देर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एंड व्हेन एवर देर इज अ रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. सही है सुनो, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए प्रॉपर. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चंस. राइट, पहला मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर वन, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. आपको टेबल बना के उनको पुट करना है, उसके बाद देन वी विल कैलकुलेट द वेरियंसेस. ठीक है, तो जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 11.1 एंड 11.2 पे कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, कंप्यूट द सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरियंस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो. उसने दोनों कवर कर लिया है, सेल्स भी लिया है और सेल्स मार्जिन भी लिया है. प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट. सबसे पहले अपन फ्रेंड्स स्टेप नंबर वन, एंड दिस इज योर टेबुलर फॉर्म. टेबल में अपन डालेंगे, इट मीन्स स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट. सही है दोनों फ्रेंड्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट एक्स एंड वाई 240 एंड 160. बजटेड क्वांटिटी हम लोगों ने सोचा था 240 160, बट एक्चुअल क्वांटिटी सेल हुआ 400 एंड 200. बजटेड सेलिंग प्राइस सोचा था 50 25, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपका हो गया 45 एंड 20. सही आंसर, 240 × 50 12,000, 160 × 25 16,000. फोर हंड्रेड इंटू 45 18,000, 200 × 20 22,000. ओके, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म फ्रेंड्स. पहले आप बताइए, ये स्टैंडर्ड आपका, ये आपका एक्चुअल, और इससे बनता है स्टेप नंबर वन. गो वेरी सिस्टमेटिक, ताकि क्या आगे चल के जब अपने को मिसिंग फिगर वगैरह के क्वेश्चन आए तो अपना लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए. दिस इज योर प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट एक्स एंड वाई 240 160 50 एंड 25 12,000 4,000 16,000 400 200 45 20 18 4 एंड 22. और आपके यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे 400, यहाँ पे 600. सही है सोना फ्रेंड्स, फर्स्ट इज ए सेल्स और टर्नओवर वेरियंस. क्या सेल्स आपने सोचा था 16,000, क्या सेल आ रहा है 22.
क्या सेल आपने सोचा था 16,000 और क्या सेल आपको आ रहा है 22, इट मींस दिस इज 6,000 एंड फेवरेबल। क्या सेल आपने सोचा था 16,000, क्या सेल आपने सोचा था 16,000 और उसके सामने आपको क्या सेल मिल गया 22 एंड आपका क्या हो गया 6,000 फेवरेबल। अब आप बोलोगे सर जब अगर फेवरेबल आ गया तो फिर आगे का कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है, इतना ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर वन, बॉस इज ऑलवेज राइट। पॉइंट नंबर टू, इफ द बॉस इज रॉन्ग देन रेफर टू पॉइंट नंबर वन, द बॉस इज ऑलवेज राइट। आप बताइए हमारा जो प्रोडक्शन होगा, मैं आगे चल के आपको एक चैप्टर आएगा आपका बजटरी कंट्रोल, उस टाइम पे आपको बताऊंगा। इज ए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर, और प्रोडक्शन का मतलब होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। अब मैंने एस्टिमेट किया था कि मेरा 400 यूनिट सेल होगा। अगर मैं खाली 400 की जगह 400 यूनिट्स ही बनाता तो ये मेरे 200 कस्टमर लौट के जाते थे कि नहीं, 200 कस्टमर लौट के जाते थे कि नहीं? पहले AMA में एक चैप्टर हुआ करता था सिमुलेशन, कि अगर आपके पास कस्टमर अगर आपकी शॉप से वापस जाता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन से वापस जाता है तो भी आपको लॉस है। मीन्स या तो अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, बराबर, अपॉर्चुनिटी लॉस मीन्स अगर वो लेता तो अपने को प्रॉफिट होता, वो चला गया। दूसरा, अगर दूसरे के पास गया, हमसे अच्छा उसने भाव दे दिया, प्राइस दे दिया और हमसे अच्छी सर्विस दे दी तो भी हमारे लिए लॉस है। तो हमको ये एनालाइज तो करना ही है कि ये 6,000 फेवरेबल क्यों होगा, मतलब 400 सही है क्वांटिटी या 600 सही है। या तो वो बोलेगा सर इट वॉज माई मिस्टेक, हम लोग 600 सेल कर सकते हैं और मैंने आपको 400 ही बोला, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आपको क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा 600। दूसरा बोलेगा नहीं सर दिस टाइम तो देर वॉज ए आईपीएल की वजह से 400 की जगह 600 हो गया, तो हर टाइम तो आईपीएल नहीं रहेगा ना। ओके, तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, पहला सेल्स और टर्नओवर वेरियंस। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्यों मैं ग्राफिकल में प्रेजेंट कर रहा हूं इसको, क्योंकि आगे चल के अपने पास क्या रहेगा फ्रेंड्स, ऑल मिसिंग फिगर्स। ओके, तो कैसे उनको डिसाइड करेंगे अपन, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस, वॉल्यूम प्रोडक्ट एक्स वाई। क्या यूनिट हम लोगों ने सोची थी 240, क्या यूनिट सेल हुई 400, इट्स गुड और बैड। अगर अच्छा हुआ है, फेवरेबल हुआ है तो फेवरेबल होगा, हमने सोचा था 240 यूनिट सेल होंगी, हुई 400, 160 एक्स्ट्रा हुई इनटू 50 एंड दिस कम्स टू 8,000 फेवरेबल। हमने सोचा था 160 यूनिट सेल होंगी, हुई कितनी 200 इनटू 45, इट मींस 160 माइनस 200 इनटू 45 इज 25. Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. What is the standard rate? Is 160 सोची थी, हुई कितनी 200 और इंटू 25 इंटू 1,000 फेवरेबल एंड टोटल 9,000 फेवरेबल। प्राइस वेरियंस 50, 45, 25, 20। क्या रेट सोचा था आपने? आपने रेट सोचा था 50, हुआ कितना 45, 5 रुपए कम मिले। ओके, इट मींस एडवर्स,
into 400 and this comes to 2000 adverse. 25, 20, 25, 20, 5 rupees kam mile into actual quantity and this comes to 1000 adverse and total 3000 adverse. Okay, 3 adverse, 9 favorable. ये आपका 9 फेवरेबल था, ये आपका 3 और ये आपका टैली हो गया 6. इट मीन जो टोटल 6000 का जो फेवर हुआ है उसमें से 9000 हुआ है ड्यू टू सेल्स वॉल्यूम और सेल्स प्राइस की वजह से अपने को हुआ है 3000. इट मीन्स 240 की जगह 400, 160, 200. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय actual quantity, multiply by actual quantity, say yes or no, perfectly clear. इसके volume के दो part होते हैं friends, इस यहाँ पे मैं continue कर देता हूँ. Volume के दो part होते हैं friends, this is your volume and volume के दो part होते हैं. देखो जरा, ये आपका volume, volume के friends दो part होते हैं. ये volume, volume आपका आ गया. अब उसके दो पार्ट होंगे, एक को हम बोलेंगे फ्रेंड्स सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस. सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस क्या सोचा था आपने, टोटल 400, एक्चुअल में क्या हुआ 600. एंड व्हेन एवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. अभी अपने पास स्टैंडर्ड रेट नहीं है, अपन क्या ले लेंगे 16000 इज द रेट फॉर 400. एक यूनिट का कितना हो जाएगा, इट मींस 16000 डिवाइडेड बाय 400 इज 40, 40 इनटू 200 इज 8000 एंड फैब्रिक. क्या निकाला फ्रेंड्स हम लोगों ने, सेल्स सेल्स सब वॉल्यूम मींस ओवरऑल बेसिस में हमको क्या हुआ, टोटलिटी में हमको क्या हुआ. हमने सोचा था 400 सेल होगा, हुआ सेल कितना 600, लेकिन उसका प्राइस कहां से लाएंगे 16000 फॉर 400, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा 8000 फेवरेबल. देन दिस योर लास्ट इज ए सेल्स मिक्स वेरियंस. ये आपका हो जाएगा सेल्स मिक्स वेरियंस. क्या प्रोपोर्शन में हम लोगों ने सेल को सोचा था, क्या प्रोपोर्शन में हमने सोचा था कि भाई टोटल 400 होगा तो हमारा x कितना सेल होगा 240. इट मींस x 240 व्हेन द सेल इज 400. टोटल 400 है तो x कितना होगा 240. तो अगर टोटल 600 है तो it means 240 divided by 400 into 600 is 360. अब आप देखिए 160 out of 400 तो 600 में why 160 400 and 600 160 400 600 is 240. उसके सामने आपका सेल कितना हुआ है 400, उसके सामने सेल कितना हुआ है 200. इनटू व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज 50 एंड 25. इट मींस 360 के सामने 400 इनटू 50 एंड दिस कम्स टू 2000 फेवरेबल. It means 240, 200 into 25 is 1000 adverse. And total आपका हो जाएगा 2000 favorable, 1000 adverse is 1000 favorable. 1000 favorable plus 8000 फेवरेबल मिलके आपका हो जाएगा
9000 वेरिएबल। इट मीन्स टोटल वेरियंस आपका पहला सेल्स, सेल्स के दो पार्ट टू एंड थ्री और वॉल्यूम के फोर एंड फाइव। सही है सुनो, टोटल आपका जो सेल्स था, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस क्या आया था 9000 फेवरेबल एंड 9000 के दो पार्ट 8000 एंड 1000। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर हो रहा है। तो फर्स्ट वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड फिर आपको निकालना पड़ेगा प्रॉपर कैलकुलेशन। फाइव वेरियंसेज मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क ओनली फाइव वेरियंसेज मैक्स टू मैक्स, ये लोग कितने वेरियंस अपने से पूछ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क फाइव वेरियंसेज। अब आप ले लीजिए सेल्स मार्जिन, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, बजटेड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। दिस इज योर सेल्स मार्जिन सेल्स मार्जिन वेरियंस राइट। ये फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड, ये आपका एक्चुअल। प्रोडक्ट्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, कौन कौन से प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, एक्स वाई, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 240, 160, 400, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 400, 200, 600, बजटेड सेलिंग प्राइस 50 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 30 रुपीज कॉस्ट है, 50 माइनस 30 इज 20 एंड 25 माइनस 50 इज 10 एंड दिस कम्स टू 1600, 4800 plus 1600 is 6400 actual profit, 45 minus 30 is 15, 6000, then 20 minus 15, प्रॉफिट मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन मल्टीप्लाई बाई 5 एंड दिस कम्स टू 1000, टोटल 7000। पहला दिस इज योर सेल्स मार्जिन वेरियंस, क्या मार्जिन आपने सोचा था 6400, क्या मार्जिन आ रहा है 7000, इट मीन्स दिस इज 600 फेवरेबल टू यू। सही है सुनो, एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए। पहला हम लोगों ने बनाया टेबुलर फॉर्म, दिस इज योर स्टेप नंबर वन, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, स्टेप नंबर एंड वन, स्टेप नंबर वन हमारा हो जाएगा टेबुलर फॉर्म, दिस इज योर स्टैंडर्ड एंड दिस इज योर एक्चुअल, प्रोडक्ट्स
दिस इज योर क्वांटिटी, दिस इज योर रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, एक्स एंड वाई, 240, 160, 400, 50 रुपीज सेलिंग प्राइस, 30 कॉस्ट, 20 प्रॉफिट, 25, 15, 10 प्रॉफिट, 4800, 1600, 6400, एक्चुअल सेल्स 400, 200, 600, 45, 30, 15 रुपीज, 20, 15, 5 रुपीज, 6000, 1000, 7000, सेल्स मार्जिन वेरियंस, क्या मार्जिन सोचा था 6400, क्या मार्जिन आ रहा है 7000, एंड दिस कम्स टू 600 फेवरेबल। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 600 फेवरेबल। क्या मार्जिन आपने सोचा था 6400, क्या मार्जिन आपका आ रहा है 7000, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए 600 फेवरेबल। अब उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, दिस इज योर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, इट मीन्स एक्स एंड वाई। क्या क्वांटिटी आपने सोचा था 240, क्वांटिटी सेल हो रहा है 400, क्या क्वांटिटी सोचा था 160, क्या क्वांटिटी सेल हो रहा है 200। व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 20 एंड 10, इट मींस 240 की जगह आपका कितना सेल हो गया 400, 160 ज्यादा इनटू 20, दिस कम्स टू 3200 फेवरेबल। 160 माइनस 200 इंटू 10 एंड दिस कम्स टू 400 फेवरेबल, और मिलके हमारा हो जाएगा 3600 फेवरेबल। सही है सुनो फ्रेंड, क्या क्वांटिटी हमने सोचा था 240, क्या क्वांटिटी सेल हुआ 400, इट मींस 160 फेवरेबल। और वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट, I am telling you, whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. What is the standard rate? Is 20, and this comes to total 3200 favorable. क्या आपने सोचा था 160, क्या actual में क्या हुआ 200 into 10, 400 favorable and total 3600 favorable. 3600 favorable. Sales margin volume variance, sales margin price variance. क्या price आपने सोचा था? क्या प्राइस आपने सोचा था दिस इज एक्स दिस इज वाई, क्या प्राइस आपने सोचा था 20, क्या प्राइस आपने एक्चुअल में दिया 15, क्या प्राइस आपने सोचा था 10, क्या प्राइस आपको मिला 5, इट मीन्स दोनों जगह आपको लॉस हो रहा है। आपने सोचा था 20, मिल रहा है 15 प्रॉफिट, आपने सोचा था 10, आपको मिल रहा है 5। बट वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, whenever there is a rate part you multiply by actual quantity is 400 and 200, this comes to 2000 adverse and this comes to 1000 adverse and total is 3000 adverse, total aapka kya ho gaya 3000 adverse. Kya price socha tha 20, kya aa raha hai 15, kya socha tha 10, kya aa raha hai 5, multiply by actual quantity 2000, 1000 and total 3000 adverse. Say yes or no. And 3600 favorable, 3000 adverse. Milke aapka kya hoga? 600 favorable. 600 favorable. Say yes or no. Then volume ke do part honge. This volume. Same hai apna. Volume variance. वॉल्यूम वेरियंस उसके दो पार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसी जो सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस और सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस।
सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस मीन्स क्या क्वांटिटी सोचा था 400, क्या क्वांटिटी आया 600, 400 सोचा था उसकी जगह 600 आया, टोटल टोटलिटी में क्या हुआ, सोचा था 400 आया 600. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इट मीन्स 6400 इज द वैल्यू फॉर 400. इट मीन्स पर यूनिट का क्या हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 200 एंड दिस कम्स टू 3200 फेवरेबल. सेल्स मार्जिन मिक्स एक्स एंड वाई क्या है, एक्स 240 आउट ऑफ 400, 240 आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 600 आपका क्या क्वांटिटी सेल होगा 240 आउट ऑफ 400, तो आउट ऑफ 600 आपको क्या आएगा फ्रेंड्स 360. ओके एंड देन 160 आउट ऑफ 400, तो आउट ऑफ 600 आपका क्या रहेगा, इट मीन्स 160 आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 600 इज 240. उसके सामने आपका क्या सेल हुआ 400 एंड 200 क्या है 20 and 10. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मींस 20 and 10 क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, इट मींस 360 माइनस 400 इंटू 20 इज 800 फेवरेबल. देन 240 की जगह आपका सेल हुआ ओनली 200 इंटू 10 एंड 400 एडवर्स, मिलके आपका क्या बचा 400 फेवरेबल 3200 फेवरेबल आपका मिलके हो जाएगा 3600 फेवरेबल. सही है सोना फ्रेंड्स. पहला आपका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, दिस इज योर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, देन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. सही है सुनो फ्रेंड्स. वॉल्यूम, वॉल्यूम के फिर आपके दो पार्ट हो जाएंगे, इज ए सब वॉल्यूम एंड मिक्स. सब वॉल्यूम मीन्स इज ए टोटलिटी. हम लोगों ने कितना सोचा था, हम लोगों ने सोचा था 400, हुआ कितना है 600. हमने कितना सोचा था 400, हुआ कितना है 600. हमने किस प्रोपोर्शन में सोचा था 240 is to 160, हमने किस प्रोपोर्शन में सोचा था 240 is to 160, क्या 240 is to 160 हुआ है या नहीं हुआ है? सही है सुनो फ्रेंड्स. नाउ फ्रेंड्स आई एम कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो May 22 में मिसिंग फिगर का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर डिपेंड है, और वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. आप जरूर वो क्वेश्चन ये लेक्चर के बाद देखिए करके, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके ले, आपको ध्यान क्या रखना कि व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. ओके इतना आप ध्यान रखिए. बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा फ्रेंड्स आप एक चीज का ध्यान रखना कि सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम. जस्ट राइट इट डाउन, सेल्स प्राइस वेरियंस एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस विल बी ऑलवेज सेम. सेल्स प्राइस वेरियंस सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस विल बी ऑलवेज सेम. आपका सेल्स प्राइस वेरियंस सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. देखो जरा सेल्स मार्जिन वेरियंस ये,
और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। आ जाइए आप, सेल्स प्राइस वेरियंस आपका क्या था 3000 एडवर्स, और यहाँ पे देखिए सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस भी आपका क्या है 3000 एडवर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों जगह पे हम लोगों ने क्या डिडक्ट किया है, कॉन्स्टेंट अमाउंट। इसका मतलब इवन बजटेड प्रॉफिट में भी 30 रुपीज कॉस्ट लिया और एक्चुअल में भी 30 लिया है, तो जो डिफरेंस सेल्स के प्राइस में रहेगा, जो डिफरेंस सेल्स के प्राइस में रहेगा, वही डिफरेंस मार्जिन के प्राइस में रहेगा। 50 एंड 45 डिफरेंस कितना है 5, 50 और 45 डिफरेंस कितना है 5, और दोनों जगह हम 30-30 माइनस कर देंगे तो अपना प्रॉफिट के मार्जिन में भी डिफरेंस क्या आएगा 20 माइनस 15, आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, आपको डिफरेंस कितना मिलेगा 5 रुपीज। अगर बाई मिस्टेक आपने कभी कभी क्वेश्चन में देता भी है इज ए एक्चुअल कॉस्ट, अगर आपने बाई मिस्टेक एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दिया आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड, तो सेल्स का प्राइस वेरियंस आप जरा लिख भी लो, सेल्स प्राइस वेरियंस इज ऑलवेज इक्वल टू योर सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस आपका हमेशा क्या रहेगा इक्वल टू सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। सेल्स प्राइस वेरियंस हमेशा इक्वल टू क्या रहेगा आपका सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। सेल्स प्राइस वेरियंस हमेशा आपका क्या रहेगा इक्वल टू सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम का एक क्वेश्चन लेता हूं तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। लेकिन अब जरा ध्यान रखना इसमें कि सेल्स का प्राइस वेरियंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा आपका क्या होना चाहिए, हमेशा आपका होना चाहिए सेम। सही है सुनो फ्रेंड, सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस। अब मैं इसमें आपको वेरीफाई करा के देता हूं। जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 11.3, कंटिन्यू ऑन 11.4। ठीक है, देखिए जरा ना फ्रेंड्स, एक कंपनी एक्चुअली सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ ए 10000 यूनिट्स ऑफ बी, 8000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10000 यूनिट्स ऑफ बी एंड 10000 यूनिट्स ऑफ बी एट 12 and 16 रुपीज अगेंस्ट ए बजटेड सेल्स ऑफ 6000 ऑफ ए एट द रेट ऑफ 14, 9000 ऑफ बी एट द रेट ऑफ 13। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए एंड बी आर 8 and 10 रेस्पेक्टिवली, द करेस्पॉन्डिंग एक्चुअल कॉस्ट 5.5 and 14.5। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट इज टोटली इरेलेवेंट फॉर यू, आपको एक्चुअल कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बजटेड कॉस्ट बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन सही है सुनो फ्रेंड, ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट से आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज सेल्स मार्जिन मिक्स एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस इंडिकेटिंग क्लियरली वेदर द वेरियंस आर फेवरेबल और एडवर्स whether the variance are favorable or adverse. ठीक है, देखो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म, इट मीन्स स्टेप नंबर 1, दिस इज योर सेल्स। अच्छा, इन लोगों ने अपने से क्या पूछा है, कंप्यूट द प्रोडक्ट बाय सेल्स मार्जिन मिक्स एंड सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस इंडिकेटिंग क्लियरली वेदर द वेरियंस आर फेवरेबल और एडवर्स।
इन लोगों ने खाली दो ही पूछे, लेकिन मैं आपको सब कुछ करा देता हूँ प्रैक्टिस के हिसाब से। एक मैं आपको सेल्स के भी करा देता हूँ, उन्होंने पूछे नहीं है, और मार्जिन के भी करा देता हूँ ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए और वो पॉइंट भी अपना क्लियर हो जाए। सेल्स, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टर्नओवर वेरियंस। दिस इज स्टैंडर्ड एक्चुअल, प्रोडक्ट्स क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट। सही है सुनो, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास, ए एंड बी। सही है सुनो, ये कंपनी एक्चुअली सोल्ड 8,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ बी एट द रेट ऑफ 12 and 16। रेस्पेक्टिवली अगेंस्ट बजटेड सेल्स 6,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट एंड 9,000 ऑफ बी एट द रेट ऑफ 13। सिक्स थाउजेंड इंटू 14 इज 84, 9,000 इंटू 12 इज 84 इज 192, 8,000 इंटू 12 इज 96 and 10,000 into 16 is 160. It means 96 plus 160 is 256. Say yes or no. कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है अपना, 9,000 इंटू 13 विल बी 1,17 प्लस 84 इज 2,01। सही है सुनो, क्या बोल रहे हैं अपने को, जस्ट पे अटेंशन फ्रेंड्स। वापस से मैं बोलता हूं, ए कंपनी एक्चुअली सोल्ड 8,000 यूनिट्स ऑफ ए, 8,000 यूनिट्स ऑफ ए, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी। इन लोगों ने खाली सेल्स मार्जिन पूछा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको पूरा करा देता हूं। ओके, ए कंपनी एक्चुअली सोल्ड 8,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ बी एट 12 and 16, 12 रुपीज एंड 16 रुपीज पर यूनिट। अगेंस्ट ए बजटेड सेल्स 6,000 यूनिट्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 14 एंड 9,000 यूनिट्स ऑफ बी, 9,000 यूनिट्स ऑफ बी एट द रेट ऑफ 13 एंड दिस कम्स टू टोटल दिस 15,000, 2,01,000 एंड 18,000 एंड देन 2,56,000। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू हैव, जब आप मई 22 वाला क्वेश्चन करेंगे तब आपको मेरी बहुत याद आएगी, क्योंकि वो मिसिंग फिगर वाला सम है और मिसिंग फिगर में अपना प्रेजेंटेशन एकदम एग्जाम में परफेक्ट बैठेगा। मींस यू कैन वेरीफाई योर ईच एंड एवरी आई आंसर करके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिस इज योर सेल्स
वेरियंस, क्या सोचा था आपने? 2,01,000 क्या आ रहा है? 256, 201 लेस 256 इज 55,000 फेवरेबल। आपका क्या आ गया? इट मीन्स सेल्स वेरियंस। क्या सेल आपने सोचा था? 201 कि भाई मेरा कितना सेल होगा? 201, उसमें क्या क्या रहेगा? ए एंड बी, ए के कितने यूनिट सेल होंगे, उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। बट जब मैं एक्चुअल सेल्स करने गया तो ये आ गया और ये मेरा हो गया 55,000 एफ। नाउ यू डिवाइड इन टू, दिस इज योर सेल्स वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स प्राइस वेरियंस। सेल्स वॉल्यूम ए बी, क्या क्वांटिटी सोचा था? 6,000। क्या क्वांटिटी सेल हुआ? 8,000। क्या क्वांटिटी सोचा था? 9,000। क्या क्वांटिटी सेल हुआ? एंड वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। क्या क्वांटिटी सोचा था? 6,000। सेल हुआ 8,000। इट्स गुड और बैड? इट्स गुड। 2,000 इंटू 14 इज 28,000 फेवरेबल। क्या क्वांटिटी सोचा था? 9। क्या सेल हुआ? 10। 1,000 मोर इंटू 13, 13 फेवरेबल। इट मीन्स 28 प्लस 13 इज 41 फेवरेबल। ए एंड बी, क्या सोचा था? 14 क्या आया? 13। क्या सोचा था? 13 क्या आया? 16 इंटू 8,000 एंड 10,000। इट मीन्स 8,000 एडवर्स एंड 30,000 फेवरेबल। इट मीन्स 22,000 फेवरेबल। सही है, सुनो। सेल्स प्राइस वेरियंस 14, सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक, 14 माइनस दिस इज 12, ₹14 एंड 12 ₹2। इट मीन्स 16,000 एडवर्स। ओके, 30,000 फेवरेबल। इट मीन्स 14,000 फेवरेबल। सो 41,000 फेवरेबल प्लस 14 फेवरेबल इज 55। अगर फॉर्मूला आपको लिखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, दिस इज योर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सही है, सुनो। क्या क्वांटिटी हम लोगों ने सोचा था? क्या क्वांटिटी हम लोगों ने सोचा था? 6,000। क्या हम लोगों ने एक्चुअल में सेल किया? 8,000। क्या सोचा था? 6, एक्चुअल में सेल हुआ इंटू 14। क्या सोचा था? 9, एक्चुअल में सेल्स इंटू 13, 28, 13 एंड 41,000। 14, 12, 8,000 इज 16,000, 13, 16, 10,000, 30,000 एंड दिस कम्स टू 14,000 फेवरेबल। एक आपका आ गया सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, एक आपका आ गया सेल्स प्राइस वेरियंस, एंड दिस इज योर सेल्स टर्नओवर वेरियंस। दिस इज योर सेल्स टर्नओवर वेरियंस। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर हो। इन लोगों ने पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, राइट। सेल्स का वेरियंस उन लोगों ने नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेल्स का
वेरियंस करा रहा हूँ, सही है सुनो। ओके, अब इसके वॉल्यूम के दो पार्ट हो जाएंगे, इट मींस दिस इज योर सेल्स वॉल्यूम, आपका क्या आया था 41,000 फेवरेबल, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक आपका होगा फ्रेंड सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स सब वॉल्यूम, सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस, और एक आपका रहेगा सेल्स मिक्स वेरियंस, सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस और एक आपका रहेगा सेल्स मिक्स वेरियंस। सब वॉल्यूम मींस टोटलिटी आपने कितना सोचा था 15,000, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ 18,000, इट मींस 15,000 माइनस 18,000, 15,000 माइनस 18,000 एंड दिस कम्स टू 2,01,000 डिवाइडेड बाय 15,000, इट मींस 2,01,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 3,000 इज 40,200 फैब्रिक, मीन्स टोटलिटी में हम लोग ले लेंगे कि टोटल हमारा कितना सेल होने वाला था 15, टोटल हमारा सेल कितना हुआ 18, इट मीन्स 3,000 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। एंड वेन एवर देर इज ए क्वान्टिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट नहीं है पर 2,10,000 डिवाइडेड बाई 15,000 एंड दिस कम्स टू दिस। ओके, सो 2,01,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 3,000 एंड दिस कम्स टू 40,200 फेवरेबल सेल्स मिक्स, इट मीन्स ए एंड बी। ए आपने क्या सोचा था 6,000 सेल होगा व्हेन योर टोटल सेल्स इज 15,000, बी आपने सोचा था 8 व्हेन योर टोटल सेल्स इज 15,000, बट आपका एक्चुअल सेल्स क्या था इज 18,000 और एक्चुअल सेल्स क्या था इज 18,000 एंड दिस कम्स टू, इट मींस 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 18,000 इज 7,200, लेकिन उसके सामने आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 8,000 एंड वेन एवर देर इज ए क्वान्टिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट ऑफ 14, देन 8,000 डिवाइडेड बाय 15,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 18,000 एंड दिस कम्स टू 9,600, 9,000 दिस इज 18,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 8,000 इज 9,600, 9,600, this is 9,000 divided by 15,000, 9,000 divided by 15,000 into 18,000 is 10,800 और उसके सामने हमारा एक्चुअल सेल्स हुआ है 10,800 के सामने अपना एक्चुअल सेल्स हुआ है इज ओनली 10,000 एंड वेन एवर देर इज ए क्वान्टिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट ऑफ 13, इट मीन्स 7,200 माइनस 8,000 इंटू 14 इज 11,200 फेवरेबल, 800 इंटू 13 इज 10,400 एडवर्स माइनस 11,200 इज 800 फेवरेबल, 800 फेवरेबल प्लस 40,200 प्लस 800 इज 41,000 फेवरेबल, मीन्स यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर। अब आप जो मई 22 वाला सम है उसको अगर इसके बेस पे आप करोगे
आपका काम हो जाएगा। May 22 वाला अगर आपका जो क्वेश्चन है आप उसके ऊपर करोगे तो आपका काम हो जाएगा करके ना। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में आपको करना है, क्योंकि वो मिसिंग फिगर वाला सम है, सेल्स वॉल्यूम डिवाइड इन टू सेल्स सब वॉल्यूम। ओवरऑल मैंने क्या सोचा था, 15 सेल हुआ ये, फिर मैंने जो प्रोपोर्शन में सोचा था उस प्रोपोर्शन में सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपन को करना है। और मैंने आपको बताया था कि सेल्स का प्राइस वेरियंस, मार्जिन का प्राइस वेरियंस दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम। अब अपन मार्जिन वाला पार्ट इसका कर लेते हैं, देखो जरा तो क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स सेल्स मार्जिन सेल्स मार्जिन वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल। Products, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount. Products, quantity, rate, amount. Products, quantity, rate, amount. Okay. कौन कौन से products हैं friends अपने पास? A and B. Okay. क्या क्वांटिटी हम लोग सेल करने वाले थे, ए कंपनी एक्चुअली सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10000 यूनिट्स ऑफ बी बी 10000 यूनिट्स ऑफ बी एट द रेट ऑफ 12 and 16। इट मींस दिस इज 12 एंड दिस इज 16। बजटेड सेल्स 6000 यूनिट्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 14 पर यूनिट, 9000 यूनिट्स ऑफ बी 13 रुपीज माइनस द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 8 and 10। ये आप जरा ध्यान रखना, दोनों जगह 8 and 10 ही हम लोग माइनस करेंगे, दोनों जगह क्या माइनस करेंगे बोलो, 8 and 10 दोनों जगह क्या माइनस करेंगे, 8 and 10। प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, सही है सोनो फ्रेंड। इट मींस 14 minus 8 is 6 एंड This is 3, 27,000 and 36, 36, 27, 63, 18, 15, 4, 6, 32, 60, 92, सही है सुनो। क्या हम लोगों ने सोचा था, सेल्स मार्जिन वेरियंस दो प्रोडक्ट हैं एक्स एंड ए एंड बी, 6000, 9000 टोटल 15,000, 8000, 10000 टोटल 18,000, सेलिंग प्राइस 14 and 13, सेलिंग प्राइस 12 and 16। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ओनली वन रखना है कि यू माइनस बोथ द प्लेसेस बजटेड कॉस्ट। ये आपको मे 22 वाला सम जरूर से करना ये लेक्चर के बाद, ओके। ये आपका आ गया 92 and 63। सबसे ज़्यादा आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली, ओके। और अगर आपको लगता है कहीं कुछ भी अगर आपको करेक्शन है या कुछ आपका सजेशन है सॉफ्ट कॉपी में तो प्लीज आप मुझे बताइए, ओके, वी विल डू इट करके। अब पहला अपना आ जाएगा, दिस इज सेल्स मार्जिन वेरियंस। क्या सोचा था 63, क्या आ रहा है
63 माइनस 92 29,000 फेवरेबल, 63 92 29,000 फेवरेबल। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। अब देखो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम ए बी, क्या क्वांटिटी सोचा था 6,000, क्या क्वांटिटी सेल हुआ 8,000। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या क्वांटिटी सोचा था 9,000, क्या क्वांटिटी सोचा एक्चुअल में हुआ 10,000 इंटू 3, 6 की जगह 8, 2,000 इट मींस 12,000 फेवरेबल, 9 की जगह 10 इट मींस 3,000 फेवरेबल इज 15,000 एंड फेवरेबल। आपका क्या हो जाएगा बोलो 15,000 फेवरेबल। नाउ सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, क्या प्राइस आपने सोचा था 6, क्या प्राइस आ रहा है 4 इंटू 8,000 एंड दिस कम्स टू 16,000 एडवर्स। देन क्या प्राइस सोचा था 3, क्या प्राइस है 6 इंटू 10,000 इज 30,000 इज फेवरेबल। देन 30 लेस 16 इज 14,000 एंड फेवरेबल, 14 प्लस 15 इज 29,000 एंड 20। इज दिस क्लियर ऑन ऑल, क्या हम लोगों ने सोचा था 6, क्या एक्चुअल में हुआ, वेन एवर दिस जो क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या रेट सोचा था, क्या रेट एक्चुअल में आ रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इट मीन्स दिस इज योर स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, दिस इज योर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सही है सर। अब आप देख लीजिए कि सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस क्या होना चाहिए सेम, 14,000 आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है 14,000। अगर बाई मिस्टेक आपने एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दिया तो ये टैली होगा नहीं। अगर आपने बाई मिस्टेक एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दिया इट वॉन्ट गेट टैली। सही है सुनो फ्रेंड्स। ओके अब आप आ जाइए सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, दिस इज योर सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस डिवाइड इन टू सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन मिक्स, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन मिक्स। आप देखिए जरा 15 के जगह आपका सेल कितना हुआ 18, इट मींस 15 की जगह आपका सेल कितना हुआ 18। व्हेन एवर देन 63 डिवाइडेड बाय 15, 63 डिवाइडेड बाय 15 इट मींस 15 एंड 18 इनटू 63 डिवाइडेड बाय 15,000, रेट आएगा 4.2 इंटू 3,000 इज 12,600 एंड 12,600 इज फेवरेबल, 12,600 फेवरेबल। देन मिक्स इट मींस ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड बी, ए 6,000 आउट ऑफ
15,000, राइट। देन 9,000 आउट ऑफ 15,000 योर एक्चुअल सेल्स इज 6,000 divided by 15 into 18, 7,009, 15 into 18, 10,800, actual 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, standard rate 6 and 3. It means 7,200 minus 8,000 into 6, 4,800 favorable, and 10,800 minus 10,000 into 3, 2,400 adverse. So 2,400 favorable. Say yes or no. 2,400 favorable plus 12,600 favorable is 15,000 favorable. वो ही देख लीजिए आप, 15,000 favorable. उसके दो पार्ट, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम और सेल्स मार्जिन मिक्स. सेव ये आपका 15 और उसके दो पार्ट ही है. सही है, सुनो. तो मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क 5 वेरियंसेस. पहला वेरियंस इट मींस अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. पहला वेरियंस आपका टोटल, सेकंड आपका वॉल्यूम, तीसरा आपका प्राइस, फोर्थ आपका सब एंड फिफ्थ आपका मार्जिन मिक्स. सही आंसर, परफेक्टली क्लियर. ओके, मैं ये चाहूंगा कि आप एक मॉड्यूल का, ये मैंने क्वेश्चन आपका पिकअप किया था, इसको आप प्लीज होमवर्क में ट्राई करिए. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड पेज नंबर 11.6. इसको आप जरा होमवर्क में ट्राई करिए, राइट. क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर 11.6, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिए. तीन तरह के इसमें टॉयज हैं. एक है ब्रेबो चैंपियन एंड सुपर, ब्रेबो चैंपियन एंड सुपर. आपको बजटेड सेल्स दे रखा है और आपको बजटेड सेलिंग प्राइस दे रखा है. ओके, एक्चुअल सेल्स दे रखा है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखा है. ओके, और आपको वेरियंसेस कैलकुलेट करने हैं सेल्स के एंड मार्जिन के. इसी के साथ अपना ये वाला जो पार्ट है वो सेल्स एंड मार्जिन वाला पार्ट क्लियर हो जाता है. इसके बाद यू प्लीज ट्राई. अगर आपको टाइम मिलता है तो मई 22 का, तो क्या इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा जो अपन सीख रहे हैं वो बराबर है या नहीं. मेरे YouTube चैनल पे मैंने डाला है सॉल्व करके, मिसिंग फिगर का सम है, तो आप प्लीज करिए तो आपका काम हो जाएगा. ओके, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. ओके.